नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज मुंबरा के डायमंड हॉल में एनसीपी के कलवा मुंबरा के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबरा बाईपास को लेकर बताया गया कि सोमवार यानी 10 सितंबर सुबह 10 बजे चंद्रकांत दादा पाटिल बाईपास का ओपनिंग करेंगे। आपको बता दें, पिछले कई महीनों से इस बाईपास का मरम्मत कार्य चल रहा था, लेकिन आज विधायक जितेंद्र आव्हाड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 10 सितंबर को इस बाईपास का ओपनिंग किया जाएगा। और मंडे को खुद चंद्रकांत दादा पाटिल की कैबिनेट मिनिस्टर 10 बजे आके बाईपास ओपन करेंगे। बाईपास और रेतीबंदर का रोड, रेतीबंदर का रोड नेशनल हाईवे का होने के बावजूद आमदार इस नाते से जब मैंने उनसे मुलाकात की तब उन्होंने मुझे वायदा दिया था कि मैं आपको पूरा पॉइंट दूंगा और बाईपास अमित गार्डन से लेके जो आगे तक पूरे पॉटहोल खड्डों से भरा हुआ रहता था, सालों साल सब कभी रिपेयर नहीं होता था, आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा कि आपको मुंबरा से निकलते वक्त मुंबरा स्टेशन का ब्रिज पार करने के बाद पानी की समस्या को लेकर जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि 216 करोड़ का टेंडर आने वाले दिनों में निकलेगा, जिसको पूरा करने में 80 दिन लगेंगे, यानी पानी का काम जनवरी के महीने में शुरू किया जाएगा। तो ही जितेंद्र आव्हाड ने पानी की टंकी बनाई जाने को लेकर कहा कि चांदनगर, शिवाजी नगर, मुंबरा और गांव देवी इलाके में पानी की टंकी बनाई जाएगी। गांव देवी इलाके में 20 लाख लीटर की पानी की टंकी बनाई जाएगी, जिसको आने वाले भविष्य में गांव देवी के लोगों को पानी की किल्लत नहीं होगी। अगर इन दिनों मुंबरा में कब्रिस्तान को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है, इस पत्रकार परिषद में जब जितेंद्र आव्हाड से कब्रिस्तान के मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कब्रिस्तान के मुद्दे पर नहीं रखी गई है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।